अंजीर एक तरह का फल है जिसे अंग्रेजी में फिग कहा जाता है। अंजीर को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है, इसीलिए ज्यादातर लोग अंजीर को अपने आहार में शामिल करते हैं। आपको बता दें कि अंजीर में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप नियमित रूप से अंजीर का सेवन करते हैं तो आप हमेशा फिट और स्वस्थ बने रहेंगे। अंजीर को भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। भीगे हुए अंजीर खाने से शरीर इसके पोषक तत्वों को आसानी से अवशोषित कर लेता है। भीगे हुए अंजीर खाने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है। भीगा अंजीर पेट के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप भीगे हुए अंजीर का सेवन करेंगे तो दिल की सेहत बेहतर रहेगी। तो आइए विस्तार से जानते हैं भीगे हुए अंजीर खाने के फायदे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार। अंजीर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इसके अलावा यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। अंजीर शरीर में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है, जो हृदय संबंधी समस्याओं का मुख्य कारण होता है। नंबर टू, हड्डियों को बनाए मजबूत। अंजीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये सभी पोषक तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। नंबर थ्री, ब्लड शुगर कम करे। अंजीर में उच्च मात्रा में पोटेशियम होता है, यह आपके शरीर में शुगर लेवल को नियंत्रित रखता है। अंजीर में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। आप कटे हुए अंजीर का उपयोग सलाद और स्मूदी में भी कर सकते हैं। नंबर फोर, प्रजनन क्षमता बढ़ाए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि अंजीर जिंक, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिजों का भंडार है। ये सभी तत्व प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर हार्मोनल असंतुलन और पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं में भी काफी कारगर हैं। महिलाओं को कमजोरी होने पर भी अंजीर खाने की सलाह दी जाती है। नंबर फाइव, वजन घटाने में मददगार। अंजीर में कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। इन पोषक तत्वों की मदद से आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है। इसके अलावा अंजीर में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो आपको पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। अंजीर आपके कैलोरी सेवन को भी नियंत्रित करता है, इसीलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में अंजीर को जरूर शामिल करें। नंबर सिक्स, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे। अंजीर में मौजूद पोटेशियम एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका नियमित सेवन रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद करता है। इसके अलावा यह सोडियम के हानिकारक प्रभावों को भी कम करता है, जो रक्तचाप के लिए बेहद हानिकारक होते हैं। हालांकि आजकल बाजारों में प्रोसेस्ड फूड अधिक उपलब्ध हैं, इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम पोटेशियम से भरपूर आहार लें। क्वेश्चन नंबर वन, अंजीर कब खाएं? भीगे हुए अंजीर सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। वैसे तो आप सूखी अंजीर भी खा सकते हैं, लेकिन गीली अंजीर सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है। अंजीर का सेवन आप सुबह खाली पेट कर सकते हैं। रोज सुबह खाली पेट भीगे हुए अंजीर खाने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, अंजीर कैसे खाएं? एक या दो अंजीर को रात भर एक कप पानी में भिगो दें। सुबह उठकर खाली पेट इनका सेवन करें। आप चाहें तो सुबह खाली पेट बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट का भी सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो अंजीर को स्मूदी या ओट्स के साथ भी मिलाकर खा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, अंजीर खाने से जुड़ी सावधानियाँ। अंजीर को अपने आहार में शामिल करके आप अपने लिए संपूर्ण पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। यह न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। आप अंजीर को कॉर्न फ्लेक्स और किसी अन्य मजेदार स्नैक्स के साथ आजमा सकते हैं। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार सुखाकर भी खा सकते हैं, लेकिन अंजीर को लेकर कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। अंजीर को एंटी प्लेटलेट दवाओं के साथ नहीं लिया जाना चाहिए, इससे आपके रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही अगर आप अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं या प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही अंजीर का सेवन करें। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों को अंजीर खाने से भी परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि यह शुगर लेवल को और भी कम कर सकता है। अगर आपको एलर्जी संबंधी कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही अंजीर का सेवन करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अंजीर से जुड़े ये फायदे आपको बेहद पसंद आए होंगे। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।